अगर आपने इसको किया कहते हैं विकल्प रहित संकल्प। और जब हमारे संकल्प में कोई विकल्प आ जाता है, संकल्प में विकल्प आ गया, आपने पहले तो कहा कि नहीं मुझे बड़ा वैज्ञानिक बनना है, मुझे बड़ा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे कोई बड़ा अधिकारी बनना है या मुझे कोई बड़ा नेता बनना है, अब उसके बीच में कोई संकल्प आया और उसको आपने विकल्प लिया है, भाई डॉक्टर बनना बड़ा कठिन काम है, इसके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियर बनना बड़ा कठिन है, अधिकारी बनना बड़ा कठिन है, वैज्ञानिक बनना बड़ा कठिन है, पत्रकार बनना बड़ा कठिन है, कोई शॉर्टकट रास्ता ना अपना लू, अरे कौन बवाल में पड़े इसमें, मैं नहीं करता हूं। जैसे ही आपके संकल्प में विकल्प आ गया तो संकल्प आपका टूट गया, संकल्प आपका टूट गया तो समझिए कि आपका मिशन आपसे दूर हट गया, आपके सपने आपसे दूर गए, आपकी मंजिल आपसे दूर हो गई, आपके रास्ते भटक गए। इसलिए संकल्प की शक्ति है कि उसको कहते हैं विकल्प रहित संकल्प। जिस संकल्प में कोई विकल्प ना हो वही संकल्प है और वही संकल्प पूरा होता है। और कभी भी देखे जीवन में कोई भी रास्ता जो है शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्टकट कभी जीवन में अपनाने की मत सोचिए। और व्यक्ति कभी किसी को बेवकूफ नहीं बनाता है। कई बार हम कहते हैं हमारे टीचर ने कहा, हमारी मम्मी ने कहा, पापा ने कहा, चाचा ने कहा, आंटी ने कहा कि बेटा ये काम करना है, हमने बड़ा अच्छी अच्छी बातें करी। मैं देखा हूँ छोटे छोटे बच्चे भी आकर अपने मम्मी पापा के सामने, अपने टीचरों के सामने ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि उनको लगता है कि हम अपने मम्मी पापा को, अपने टीचरों को, हमने तो बड़ा बेवकूफ बना दिया। बड़े खुश होते ना, हम होते कि नहीं होते, नहीं होते ना, होते हैं। लेकिन हर कोई व्यक्ति ये जानता है कि सच क्या है। ये जो भगवान का घर होता है, बड़ा टाइम था तुम हो, हर कोई व्यक्ति ये जानता है कि मैं क्या सच कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं। हम दूसरे से हर बात छिपा सकते हैं, हम सामने वाले की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन अपने आप में कोई धूल नहीं झोंक सकता, अपने को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और इसके साथ साथ एक जगह कोई बेवकूफ नहीं बना सकता जिसके कारण से पूरी दुनिया चलती है। वो जो ऊपर वाला होता है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, भगवान ईश्वर, हम जिस रूप में भी मानते हैं उसको, उसके सामने आपका एक एक पाई पाई का हिसाब होता है। अगर हम अच्छा काम करते हैं, सवेरे उठते हैं, अपने हाथ मुंह धोते हैं, अपना जो सवेरे के काम है वो करते हैं, उसके बाद अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, फिर अपना दिन भर की अपनी दिनचर्या करते हैं, हमें पढ़ना है, लिखना है, स्कूल जाना है, खेल के मैदान में जाना है, कोई अच्छा चीजें करनी है, वो सब करते हैं, तो वहां हमारा अकाउंट बनता है। हमने अच्छे काम किए तो अकाउंट में क्या है, वो बैंक का जो खाता होता है उसमें क्या बोलते हैं रोहिणी जी, जब हम पैसे जमा करते हैं तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, और जब पैसे निकाल देते हैं तो डेबिट हो जाता है। तो जब हम जो है बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमारा पैसा डेबिट हो जाता है, यानी कि अकाउंट में बढ़ोतरी हो जाती है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, और जब हम पैसे निकालते हैं तो क्रेडिट हो जाता है, वो अकाउंट कम हो जाता है। जब हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छे काम जब हम करते हैं तो उसी प्रकार से भगवान ने हमारा एक खाता बनता है, लोगों में सब एक रूप में ये सृष्टि का सत्य, उसमें हमारा खाता बनता रहता है। अच्छे काम करें हमने तो हमारे अच्छे कर्म जमा होते चले, कहते हैं इसी जन्म में है, अगले जन्म में है, उसके अगले जन्म में है, सारे सत्कर्मों का हमको जो है
अच्छा परिणाम मिलता है। और जब हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, जो भी काम हमको मिला है, तो हमारा जो डेबिट है वह बढ़ता चला जाता है और वो किसी न किसी रूप में हमको वापस मिलता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को जो पढ़ने का, लिखने का, मेहनत करने का, खेलने का जो समय मिला है, उस पर पूर्ण मनोयोग के साथ करिए। आधे मन से कोई काम मत करिए और मन में हमेशा उत्साह रखिए। मन में अगर उत्साह रहेगा तो आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। कहते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर मन से हमने कोई चीज मान ली और ठान ली तो हमें करके दिखाना है और मन में उत्साह आ गया तो ऊर्जा का संचार भगवान स्वयं कर देते हैं। कहते हैं भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना साथ देते हैं। वो कहते हैं कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर को गड्ढे से उठा लो यार। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति का और अनंत ऊर्जा का भंडार है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम हम सब लोगों ने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है, वो जिस दिशा में जाना चाहे, जिस कर्म को करना चाहे, जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसको अपने आप को जानने की जरूरत है, ठानने की जरूरत है, मानने की जरूरत है। और मान लिया हमने तो हम अनंत तक जा सकते हैं, यानी कि कहते हैं स्काई इज नॉट लिमिट, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आप सबको ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ अपने जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और आप चूंकि अब ऐसे उसमें आ गए हैं, करियर के ऐसे उसमें आ गए हैं, जब हम हाई स्कूल इंटर में होते हैं तो हमें उस समय तक बहुत चिंता नहीं होती है, तब तक हम निश्चिंत होते हैं अपने करियर के लिए, हमें बहुत ज्यादा उस समय तक सोचते नहीं, लेकिन इसके बाद हमारा करियर शुरू हो जाता है। अब हमको जीवन के किस क्षेत्र में जाना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय आप लोगों के लिए आ गया है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आपके माता पिता, आपके गुरुजन, आपके अभिभावक वह भी कहेंगे अब इसके बाद आपकी उतनी मदद नहीं कर पाएंगे।